हाय दोस्तों, कंटिन्यू करते हम लोग लूडो ट्यूटोरियल को। और जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट फोल्डर क्रिएट किया था। और अगर हम गेम प्ले करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो लूडो डाइस है वो हम लोगों का जो है रोल हो रहा था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक एनिमेशन क्रिएट किया था यहाँ पे, जो रोलिंग डाइस है उसका आप देख सकते हो, और ये जो है उसका इफेक्ट यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों, अभी अगर आप अपने एनिमेशन पे आओगे तो आप देखोगे कि जो आपका रोलिंग डाइस एनिमेशन है उसमें लूप टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है लूप मोड में रहेगा। हम क्या करते हैं, जो ये लूप टाइम है उसको डिसलेक्ट करते हैं, और उसके बाद अभी अब अगर आप गेम प्ले करोगे तो आप देखोगे कि ये जो डाइस है एक बार प्ले होगा और उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनीवे हम क्या करते हैं, अभी कुछ स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे पाथ ऑब्जेक्ट्स थे। कॉमन पाथ जो था हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा कॉमन पाथ है जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, ये पूरे जो पाथ है जो कॉमन होगा सब प्लेयर पीसेस के लिए। और कुछ हमारे पास डेडिकेटेड थे, जो ब्लू डेजिग्नेटेड और रेड डेजिग्नेटेड वगैरह सबका जो ये पाथ दिख रहा है वो था, राइट। एनीवे अब मैं क्या करता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट्स क्रिएट करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे सबसे जो हमारा पहला स्क्रिप्ट होगा वो होगा प्लेयर पीस। ठीक है, प्लेयर पीस एक पेरेंट क्लास होगा जिसको रेड प्लेयर पीस, ब्लू प्लेयर पीस, ग्रीन प्लेयर पीस और येलो प्लेयर पीस इनहेरिट करेगा, राइट। तो आइए दोस्तों हम और भी स्क्रिप्ट्स जो है क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इस केस में जैसे हमने प्लेयर पीस क्रिएट किया, तो आप देखोगे अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मोनो डेवलप में, विजुअल स्टूडियो में ओपन हो रहा है, और आप देख सकते हो प्लेयर पीस स्क्रिप्ट है, क्लास प्लेयर पीस है। और मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्विकली कुछ और स्क्रिप्ट्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, रेड प्लेयर पीस। एंड उसी तरह से हमारे पास चार और स्क्रिप्ट क्रिएट होंगे, तीन और स्क्रिप्ट्स क्रिएट होंगे, और मैं उसको तुरंत से कर लेता हूँ। एंड देन नेक्स्ट, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक हमने प्लेयर पीस क्रिएट किया, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग और भी हमने चार अलग अलग स्क्रिप्ट्स क्रिएट किए। मैं यहाँ पे चारों को ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो में और इन स्क्रिप्ट्स को एडिट करूँगा। तो क्यों ना सबसे पहले मैं सब ओपन ही कर लूँ वन बाय वन करके। ठीक है, रेड प्लेयर एंड देन येलो प्लेयर। दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ स्क्रिप्ट्स के अंदर, और इसका नाम देता हूँ मैं प्लेयर पीस और पीसेस, वॉट एवर यू प्रीफर यू कैन गिव। एंड मैं क्या करता हूँ, बाकी स्क्रिप्ट्स को इसके अंदर ड्रैग करता हूँ, राइट। अब अभी अगर आप यहाँ पे आओगे, एनीवे एक्चुअली ये चला गया क्योंकि इसका पाथ जो है वो चेंज हो गया, तो हमें इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो में ताकि हम इस पर वर्क कर सकें। और मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ वन बाय वन ताकि सब ओपन हो जाए, और आप भी क्विकली कर सकते हो लाइक ऑफ दैट। ओके, और आई थिंक यहाँ पे ब्लू वाला नहीं आया है तो ब्लू वाले को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों क्विकली हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेयर पीस स्क्रिप्ट है ये, इसको बाकी सारे जो पीसेस हैं जो भी ब्लू ग्रीन येलो वो इनहेरिट करेंगे। तो आप जानते हो सी शार्प ट्यूटोरियल अगर आपने देखा है मेरा, तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्लेयर पीस है वो इससे जो हमारा ग्रीन प्लेयर पीस है वो इनहेरिट हो रहा है। और फिलहाल मैं इस केस में इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, आप देखोगे ध्यान से, और मैं ये सब पे पेस्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स मोनो बिहेवियर अब इसको ये प्लेयर पीस को इनहेरिट कर रहा है, और बाकी जो है
प्लेयर पीस खुद जो है वो मोनो बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। तो आप देखोगे ये डबल लेयर की इनहेरिटेंस यहाँ पे हो गई अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो। एनीवे हायरार्किकल या फिर आप जो बोलो, तो जो भी हमारे प्लेयर पीसेस हैं ब्लू रेड ग्रीन येलो वो प्लेयर पीस को इनहेरिट कर रहे हैं और प्लेयर पीस जो है वो खुद मोनो बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। ओके दोस्तों, एनीवे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास प्लेयर पीसेस है आप इस केस में देख सकते हो रेड ग्रीन ब्लू और येलो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लेयर पीसेस हैं इस केस में, मैं ज़रा सेलेक्ट करता हूँ किसी एक को, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड प्लेयर पीसेस और वगैरह वगैरह है यहाँ पे। आप चाहो तो रेड वाले में रेड को, ग्रीन वाले में ग्रीन को, येलो वाले में येलो को और ब्लू वाले में ब्लू को अटैच कर सकते हो। मैं करता हूँ, आप एक देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस प्रीफैब को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ प्रीफैब, तो ये प्रीफैब मोड में ओपन हो जाएगा और इस केस में मैं जो रेड वाला प्लेयर पीस स्क्रिप्ट है वो इस पर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता हूँ मैं, आई थिंक ये अप्लाइड हो जाएगा, मैं इसको बैक लूँगा तो ये बोलेगा सेव करना है जो आपने चेंज किया। हाँ भाई सेव ही करना है, ये कर दिया सेव मैंने। तो अब देखो कि मैंने काम एक पे किया और बाकी पे भी जो है वो रेड प्लेयर पीस स्क्रिप्ट जो है आ चुका है। ये ऑब्वियस है, प्रीफैब अपडेट हुआ तो मतलब सब होगा। फिर से मैं ओपन करता हूँ और इस केस में ब्लू वाले को करता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे बैक लूँगा ये सेव का ऑप्शन देगा जो कि मैंने कर दिया है, बाकी पे आ गया है। सेम प्रोसेस मैं करूँगा ग्रीन वाले पे और ओपन देन सॉरी, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो एक्चुअली, मैंने बिना ओपन किए किया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस साइन आ रहा, राइट। आप ओवरराइड में आओगे तो ये बता रहा है कि भाई जो प्रीफैब है उसमें ये चेंज हुआ है लास्ट। आप चाहो तो अप्लाई ऑल कर सकते हो या रिवर्ट कर सकते हो, फिलहाल इस केस में तो अप्लाई ऑल करना है क्योंकि हमें सब पे चाहिए। सिमिलरली आप चाहो तो एलो को सेलेक्ट कर सकते हो और एलो में हम अटैच करेंगे एलो प्लेयर पीस को और फिर ओवरराइड करके अप्लाई ऑल जो है हम कर देंगे। दोस्तों अभी हमने क्या किया, हमने अलग अलग स्क्रिप्ट्स क्रिएट किए और एक हमारा प्लेयर पीस है जो पेरेंट स्क्रिप्ट है और इसको चाइल्ड स्क्रिप्ट्स जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं और सब पे वो हमने लगाया। ठीक है, अभी आप क्या देखोगे, जब हमें अभी यूज़ करना है इन प्लेयर पीसेस को तो हम इस पे जो भी मेथड्स है वो अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हम करते हैं बाद में, फिलहाल के लिए यहाँ पे आप आ जाओ पाथ ऑब्जेक्ट्स में आओ। तो आप देखोगे ये पाथ पॉइंट है, राइट। पाथ पॉइंट में अभी ये पाथ पॉइंट जो हमारे पास सारे थे, आप देख सकते हो अगर मैं इसको डिजेबल करूँगा तो ये सारे हैं। मैं क्या करता हूँ, एक पाथ पॉइंट नाम का स्क्रिप्ट जो है क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और ये प्लेयर पीसेस के अंदर नहीं रहेगा, ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर में रहेगा। ठीक है, मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ था तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ और सिमिलरली ये सारे पाथ पॉइंट पे मैं जो है उसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो पाथ पॉइंट मैंने यहाँ से लिया और क्या करता हूँ मैं इसको उस पर ड्रैग करता हूँ, जिस तरह से हमने रेड प्लेयर पीसेस जितने भी प्लेयर पीसेस है उस पर जिस तरह से हमने ड्रैग किया था, पाथ पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, पाथ पॉइंट स्क्रिप्ट को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और ओवरराइड पे आने के बाद अप्लाई ऑल करता हूँ। तो दोस्तों आप देखोगे कि जितने सारे सब पे जो है पाथ पॉइंट सेलेक्ट हो चुका है और इवन ब्लू वगैरह पे भी आप आओगे तो आप देखोगे सब पे जो है पाथ पॉइंट स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली क्या करेगा पाथ पॉइंट हमारा, वो होल्ड करेगा अगर उस पे प्लेयर पीसेस जाएंगे। सपोज करो कोई भी एक पॉइंट अगर आप लेते हो, मान लो ये लिया आपने, तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर पीसेस आएंगे वो उसको होल्ड करेगा और हम चेक करेंगे क्या वो एक दूसरे को किल कर रहा है वगैरह वगैरह। आई डोंट नो व्हाट टू से टेक्निकली बट लेट्स कंटिन्यू। एनीवे तो ये हमने किया, नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है पाथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पाथ ऑब्जेक्ट्स के जो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने सारे पाथ्स रखे हुए हैं, तो फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ और एग्जैक्टली इसी नाम से मैं एक स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों राइट क्लिक किया मैंने और एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया मैंने और मैं इस पे जो है उसको ऐड करूँगा, और चूंकि ये प्रीफैब नहीं है इसीलिए एनीवे ये यहाँ पे कंपाइल कर रहा है, आप देख सकते हो इसीलिए ये जो है ड्रैग होकर उस पे ऐड नहीं लिया, मगर ये जैसे ही कंपाइलेशन कंप्लीट करेगा हम इसको जो है इस पे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे ये जो पाथ ऑब्जेक्ट है, क्यों ना हम इसमें कुछ एरे बनाएं। अब दोस्तों आप लोगों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया था सर कोडिंग की ट्यूटोरियल बनाओ लूडो पे, तो वाकई अब ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग ही चलने वाली है तो क्यों ना हम करें। एनीवे फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दोस्तों सीरियलाइज फील्ड अगर हम करते हैं, आपको पता है सीरियलाइज फील्ड अगर हम करते हैं और ये
प्राइवेट हो फील्ड, तो भी वो इंस्पेक्टर में विजिबल रहता है। जिस तरह से आप पब्लिक फ्लोट समथिंग करते हो, पब्लिक नहीं लगाना चाहते, या फिर इन दिस केस ओके लिव दैट फॉर नाउ, हमारी ज़रूरत होगी तो हम करेंगे उसको सीरियलाइज फील्ड। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म का एक एरे बनाता हूँ और उस एरे में मैं यहाँ पे होल्ड करवाता हूँ क्या, कॉमन पाथ पॉइंट्स। ओके, और सिमिलरली आप देखोगे ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म है, तो उसी का मैं चार कॉपी करता हूँ। आप चाहो तो कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे रेड डेजिग्नेटेड पाथ पॉइंट्स हमें करना था, बट यहाँ पे रेड पाथ पॉइंट्स चलेगा क्योंकि रेड का रेड ही होगा। डेजिग्नेटेड वर्ड आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं चाहो तो नहीं यूज़ करो। और उसी तरह से ग्रीन एंड देन ब्लू, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ दोस्तों। और एक और हमने कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी कर लिया है, और ये हमारा हो जाएगा एलो। ओके, तो दोस्तों ये हमारे कुछ एरे बन गए हैं। और अगर अभी आप इंस्पेक्टर में आओगे यहाँ पे सेव दबाने के बाद, तो आप देखोगे आपके इंस्पेक्टर में यहाँ पे ऑप्शंस बन जाएंगे, ताकि आप अपने पाथ्स को ड्रैग कर सको। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कॉमन पाथ पॉइंट्स है या रेड पाथ पॉइंट्स है वगैरह वगैरह, एनीवे मैं क्या समझता हूँ, क्यों ना हम इस पे ट्रांसफॉर्म की जगह पे, क्योंकि ये जो कॉमन पाथ पॉइंट्स हैं, ये जो जितने भी कॉमन पाथ पॉइंट है वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, राइट। हम इंस्पेक्टर में उसको ड्रैग करेंगे, बट इस केस में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्म जो हमने एरे बनाया है उसको हम रीनेम करते हैं। और ट्रांसफॉर्म की जगह पे दोस्तों मैंने अल्ट कीबोर्ड का बटन प्रेस किया था, और ये मल्टी लाइन एडिटिंग दे रहा है, और इस केस में मैं यहाँ पे पाथ पॉइंट जो है लिखता हूँ। दोस्तों ये एक क्लास है, और ये वेरिएबल यहाँ पे आपको देखने में तो सेम ही लगेगा, मगर अगर अभी आप होल्ड करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म की जगह पे सिर्फ पाथ पॉइंट्स को ही रखेगा, राइट। आपके लिए ट्यूटोरियल अच्छी होगी अगर आप गेट कंपोनेंट वाला अगर हमारा वीडियो आपने देखा है तो। एनीवे फिलहाल मैं ये फिल करता हूँ, ये जो हमारा लॉक है आइकॉन उसको मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ। दोस्तों एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि कई तरीके हैं कोडिंग करने के, फिलहाल मैं कुछ ईजीएस्ट वे बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और प्रोग्रामिंग अगर नहीं आती तो वाकई ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा समझना, तो प्लीज़ आप मेरे प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखें। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक सीक्वेंस में सारे जो है ये आ चुके हैं। दोस्तों आप इसको लॉक करना ना भूलें। और इसके बाद ये कॉमन पाथ पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पास रेड पाथ पॉइंट्स है जो कि हमारा डेजिग्नेटेड होगा। तो मैं इस केस में रेड वाले को मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट बटन दबाने के बाद, और यहाँ पे रेड वाले पे ड्रैग करता हूँ। सिमिलरली मैं अगला जो हमारा ग्रीन वाला है डेजिग्नेटेड पाथ, उसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसको ग्रीन वाले पे ड्रैग करता हूँ। सिमिलरली आप देखोगे जो हमारा ब्लू वाला है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसको ब्लू वाले को करता हूँ। एनीवे सॉरी, मतलब मैं मल्टीपल काम को बता रहा हूँ, नो इशू। ये छोटे छोटे काम है जहाँ पे फास्ट नहीं कर सकता मैं फ़िलहाल, कोई बात नहीं। तो ये हमने यहाँ पे जो हमारे पाथ्स हैं उसको हमने असाइन कर दिए, करेक्ट दोस्तों। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले तो सीन को सेव कर लीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। और अब मैं इसको जो है अनलॉक करने जा रहा हूँ, तो आप दूसरे को आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। एनीवे आपने अगर हमारा अपना मतलब यूनिटी 3D का ट्यूटोरियल देखा होगा फर्स्ट वाला, तो आपको पता ही होगा कि एडिटर में नेविगेट कैसे करते हैं। एनीवे यहाँ पे पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट है, राइट। अब सपोज करिए कि हमारे पास कोई सा प्लेयर पीस है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे इस केस में मैं ब्लू वाला लेता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा पाथ पॉइंट है वो एक यहाँ से शुरू हुआ है, राइट। आप देख सकते हो मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ। हम वैसे भी लास्ट में, जो सबसे लास्ट में यानी कि गेम के लास्ट में, वैसे भी ये ट्रांसपेरेंसी पूरा डाउन करने वाले हैं, ठीक है। इस केस में चलो मैं थोड़ा कर भी सकता हूँ, और फिर हम यहाँ आने के बाद जो है इसको अप्लाई करने वाले, राइट। तो जैसे आप अप्लाई करोगे ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। एनीवे इस केस में हम थोड़ा सा रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमारे जो प्लेयर पीसेस हैं वो कहाँ पे जा रहे, जस्ट ये दिखाने के लिए था। और आप फिर से अप्लाई करोगे तो सारे के सारे आ भी जाएंगे। खैर फिलहाल के लिए मैं इसको फुल पे ही रखता हूँ और अप्लाई करता हूँ इसके पेरेंट को। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर ये जैसे हमारा ब्लू वाला प्लेयर पीस है, राइट। जो हमारा ब्लू वाला प्लेयर पीस है, ब्लू वाला प्लेयर पीस आई थिंक ये वाला, राइट।
तो अगर मैं एक को किसी को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, मैंने W प्रेस किया है, और अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ तो आप देखोगे ये जो है अपनी चालें जो है चलना चाहिए, और यहाँ पे लाने के बाद मुझे ऐसा पता चल रहा है कि ये शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। आई थिंक ये जो दिखने में जो लग रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है दोस्तों, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। रीज़न ये है कि ये इसको भी ढक दे रहा है, राइट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्प्राइट में आता हूँ, और इसका स्केल जो 1.8 है मैं यहाँ पे 1.3 करता हूँ, देखता हूँ ये कैसा दिखता है, ठीक है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट वन, एंड देन यू कैन जस्ट, लेकिन वन थिंग और कि ये जो हमारा, अगर आप इसको सेडेड की जगह पे वाइड फ्रेम में देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा हार्ट टाइप का है जो प्लेयर पीस, उसका कुछ एंकर यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। दैट मीन्स ये जो हमारा प्लेयर पीस का स्प्राइट है उसको मैं थोड़ा सेंटर पे ले आता हूँ, राइट। थोड़ा और आएगा ये, और उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद आप चाहो तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑल करोगे तो आप देखोगे ये जो है छोटा हो चुका है, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। एनीवे, तो ये काम आपको ये सब मतलब सबके साथ करना है, सबके साथ इन द सेंस ये रेड ग्रीन और ब्लू वाले के साथ भी करना है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ, कैसे करना है आपको ईजी वे बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सॉरी ये कॉपी कंपोनेंट करिए, नॉट कंट्रोल सी, और उसके बाद आपको क्या करना है, रेड में आना है और रेड का ये स्प्राइट सेलेक्ट करके ये आपको इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक जो है कम हो चुका है, और हम उसके पेरेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑल कर देंगे तो ये सारा छोटा हो जाएगा। सिमिलरली रेड वाला करने के बाद आप ग्रीन पे आओगे, ग्रीन वाले स्प्राइट पीस को सेलेक्ट करोगे, पेस्ट करोगे कंपोनेंट वैल्यूज को, तो जिस तरह से एक के दोबारा कम हो चुका है तो उसी तरह से हम जो है यहाँ पे अप्लाई ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एलो, और मैं इसको भी कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज एंड देन अप्लाई ऑल, ठीक है दोस्तों। एनीवे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे चीज़ छोटे हो गए, आप इसको अगर बड़ा करोगे, शिफ्ट और स्पेस प्रेस किया है मैंने, तो डोंट वरी ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक चीज़ हमारे पास बेनिफिट ये हो रहा है कि ये जो पीस है अब ये दो खानों को, या आप क्या बोलोगे, दो स्क्वायर को नहीं कवर कर रहा है, राइट, जो कि पहले बड़ा होने के कारण कर रहा था, तो ये जो है आप यहाँ पे मूव कर सकता है, करेक्ट दोस्तों। एनीवे तो आइए हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं इसके मूवमेंट को, राइट। तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि ये जो स्क्रिप्ट है प्लेयर पीस, वो ब्लू प्लेयर पीस या रेड या येलो या ग्रीन, वो अपने पेरेंट प्लेयर पीस को इनहेरिट कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, एक पब्लिक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ बोल मूव नाउ, ओके। तो ये अगर हम लोग मूव नाउ एक बूलियन रखते हैं और ये सारे स्क्रिप्ट को एक्सेसिबल होगा, और अगर कोई मूव नाउ टिक करता है तो उसको कुछ खाने जो है मूव करने हैं, करेक्ट। पर वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों एक हमारा दूसरा यहाँ पे बनेगा पब्लिक इंट, ठीक ना, तो मूव नंबर ऑफ स्टेप्स बोलूँ मैं या क्या बोलूँ, आई डोंट नो टेक्निकल वर्ड्स क्या होता है, बट इसका मतलब ये हुआ कि कितने स्टेप उसको मूव करना है, स्टेप बोलो लाइक ये एक दो तीन, अगर तीन स्टेप मूव करेगा तो वो यहाँ पे चला जाएगा लाइक दैट, ओके। और आप देखोगे जैसा कि हमने प्लेयर पीसेस में दो पब्लिक वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये सबको एक्सेसिबल होगा, किसी भी प्लेयर पीस में आप आओगे तो ये जो है एक्सेसिबल होगा, राइट। मूव नंबर ऑफ स्टेप्स, या क्यों ना मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, ओके। एक्चुअली मैंने कंट्रोल आर आर प्रेस किया था उसको रीनेम करने के लिए, तो उसको कितने स्टेप्स जो है मूव करना है वो था, राइट दोस्तों। अभी आप क्या करोगे, सपोज यहाँ पे मैंने ब्लू प्लेयर पीस लिया हुआ, राइट, तो अभी अगर हमें इसको मूव करवानी, आप जानते हो कि जो ये इनहेरिट अगर कर रहा है प्लेयर पीस को, तो इसको ये दोनों वेरिएबल एक्सेसिबल है, राइट। आपको पता नहीं आई इन्यूमरेटर के बारे में पता है या नहीं, बट अभी मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आई इन्यूमरेटर एक ऐसा एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो होल्ड करवा सकता है कॉल्स को, करेक्ट।
एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सेशन है तो टाइम थोड़ा लंबा लगे तो चलेगा, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ध्यान दो आई न्यूमरेटर क्या होता है, मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ आपको, राइट। सपोज इस केस में स्टार्ट, और स्टार्ट फंक्शन आप जानते हो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड मूव नाउ, जस्ट मैं आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ, राइट दोस्तों, मूव अ स्टेप्स, डोंट वरी, आपको मैं इसे बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आई थिंक को रूटीन का ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, स्टेप्स, ओके, या फिर छोड़ो, मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं पास करवा रहा, मूव अ स्टेप्स अगर मैं बता रहा हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने पाथ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट ये, राइट, तो कॉमन पॉइंट्स जो है वो कॉमन पॉइंट्स पे, कॉमन पाथ पॉइंट्स पे हमें मूव करना है, करेक्ट। तो आई थिंक ये जो सीरियलाइज फील्ड है जिसके कारण ये प्राइवेट मोड में है, अगर हम चाहें तो इसको पब्लिक कर सकते हैं, ओके, फॉर नाउ लेट्स मेक इट पब्लिक, एंड अगर आप लोगों को ज़्यादा रीचेंज करना पड़ रहा है तो सॉरी, अगर आप कोड करोगे तो आपको पता चलेगा ये कई बार करना पड़ेगा, एनीवे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट है उसको, उसका हमने सिर्फ जो एरे था पाथ पॉइंट्स का, उसको सिर्फ हमने पब्लिक बनाया है एंड नथिंग एल्स, तो आप देखोगे आपके पास सारे थिंग्स जो है यहाँ पे एडेड ही रहेंगे। एनीवे मैं बता रहा था ये कॉमन पाथ पॉइंट्स, राइट। अब सपोज करिए कि मूव अ स्टेप से, सपोज करिए कि हमें 3 स्टेप मूव करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, 4, यहाँ पे मैं एक फोर लूप लगा रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0 to 3, मतलब 0, 1, 2 तक ये कॉल होगा, और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट है हम उसको कॉल करेंगे, राइट, उसके कॉमन पाथ्स को कॉल करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो जो हमारे पास पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट है, ये चीज़ सबको एक्सेसिबल होगी, दैट मीन्स जितने भी पीसेस हैं ये सबको एक्सेसिबल होगी। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ मैं, और वो होगा हमारा पाथ ऑब्जेक्ट्स पेरेंट, ओके, पाथ्स पेरेंट, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ, अवेक में एक चीज़ कर सकता हूँ, पाथ्स पेरेंट इज इक्वल टू फाइंड गेम ऑब्जेक्ट, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्या, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, ओके दोस्तों, ये क्या करेगा, अवेक स्टार्ट से भी पहले कॉल होता है तो वो फाइंड कर लेगा, और इस केस में दोबारा मैं इसको पब्लिक बना रहा हूँ क्योंकि इसको एक्सेसिबल होना चाहिए इसके चाइल्ड्स क्लास को, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू क्या, पाथ पेरेंट, पता है आपको वहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से, अपने पेरेंट क्लास से, डॉट कॉमन पाथ पॉइंट आई, अभी आप इस चीज़ को समझो, डॉट सॉरी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, ओके, ये हमने क्या किया कि जो इसका ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन होगा वो पाथ पेरेंट का कॉमन पाथ पॉइंट का आई मीन्स 0, 1, 2, 0, 1, 2, और आपको पता है कि जो एरे होता है वो 0 इंडेक्स बेस्ड होता है, दैट मीन्स 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट जो है एक्सेसिबल होंगे, और ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एक यहाँ पे आई इन्यूमरेटर बनाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आई इन्यूमरेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे मूव स्टेप्स, इसका नाम देता हूँ मैं इनम, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करता मैं, सिंपल इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और एक यहाँ पे एल्ट रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड, मतलब लूप चलने से पहले, एक लूप चलने के बाद ये 1 सेकेंड तक होल्ड करेगा, राइट दोस्तों, ये को रूटीन है, मैं इस बारे में एक लंबा ट्यूटोरियल बनाऊंगा और तब आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। एनीवे आप जानते हो कि स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, अगर भी मैं मूव स्टेप्स करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो ब्लू प्लेयर पीस है ये मूव करेगा और ये अपने जगह से पहुँच जाएगा यहाँ तक, करेक्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ गेम को, और आप देखोगे स्टार्ट में जैसे ही होगा ये अपना ब्लू प्लेयर पीस वो जो है मूव कर जाएगा, और आप देख सकते हो ये सडन मूव हुआ, राइट, एकदम से तुरंत।
दोस्तों आई थिंक आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ थ्री स्टेप मूव करने को बोला, वो दो क्यों मूव कर रहा है। डोंट वरी, इग्नोर दैट फॉर नाउ। आइए हम लोग थोड़ा फाइव स्टेप मूव करते हैं, राइट। आई थिंक आपको वहाँ पे फोर दिखेगा, तो आप अगर फाइव भी मूव करोगे ना, तो ये एक अपनी जगह से गिन रहा है, ये एक दो तीन चार पाँच, ये एकदम से मूव होगा, राइट। आइए देखते हैं। तो अगर अभी मैं इसको मूव करवाता हूँ प्ले बटन दबाने के बाद, तो आप देखोगे ये एकदम से मूव होगा, ठीक है, एक फ्रेम में मूव होगा, राइट। मतलब ये रुक रुक के मूव होना चाहिए, वो नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्ले हुआ और एकदम से वो चला गया। आई थिंक ये जो डाइस है वो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं रोलिंग डाइस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिजेबल कर देता हूँ। इस केस में आपने देखा कि जब मैं मूव स्टेप्स कॉल करता हूँ तो ये एक सडन मूवमेंट देता है, और अगर यही मैं इसको कमेंट कर दूँ और अब इनम से उसको मूव कराऊँ, राइट, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट कोरूटीन। एक्चुअली ये कोरूटीन है आई न्यूमरेटर, और इसको हम लोग कोरूटीन, स्टार्ट कोरूटीन, एक्चुअली इसको कॉल करने के कई मेथड्स हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट कोरूटीन करना है और एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास करवाना है, स्ट्रिंग वैल्यू पास करवाना है, जो कि होगा उस कोरूटीन का नाम, ठीक है। तो अब स्टार्ट में मूव स्टेप कॉल नहीं होगा, मूव स्टेप इनम कॉल होगा, और आप ये देखोगे कि वन बाय वन एक एक सेकेंड लेके वो जो है पाथ में मूव होगा, राइट। तो दोस्तों आइए हम लोग करते हैं इस चीज़ को, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्ले करता हूँ इसको, और देखिए ये जो है वन बाय वन इस बार मूव होगा, राइट। तो मैं प्ले करता हूँ इसको, और वो क्या करेगा, स्टार्ट में कोरूटीन को स्टार्ट करेगा, और आप देखोगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है ये मूव होगा, ठीक है, आप देख सकते हो। दोस्तों मैं इसके टाइम को थोड़ा कम करता हूँ, 0.1 सेकेंड है पूरा, मैं इसको 0.25 सेकेंड करता हूँ, करेक्ट। आप टाइम को बाद में कंट्रोल कर सकते हो, फिलहाल मेरा मकसद एक ही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है, करेक्ट। हमने यहाँ पे फाइव स्टेप्स मूव किए हैं, और अगर आपको पाथ ऑब्जेक्ट्स जो है, अगर ये आपको नहीं देखने, आई मीन नहीं देखने तो नहीं बोल सकता मैं, खैर इसको अभी रहने दो एक्टिव, और अगर मैं प्ले करता हूँ, दोस्तों मैंने शिफ्ट और स्पेस बटन दबाया था, तो आप देखोगे ये वन बाय वन जो है मूव करेगा, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम आई इन्यूमरेटर ही यूज़ करने वाले हैं, करेक्ट। दोस्तों फिलहाल के लिए मैं ये दोनों चीज़ हटाने जा रहा हूँ, मूव स्टेप्स और मूव स्टेप इनम, करेक्ट। तो आपको समझ आया होगा कि एक फंक्शन से हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम उसको आई इन्यूमरेटर से करेंगे, राइट। दोस्तों तो अभी हमारे पास एक और चैलेंज है, चैलेंज ये हो जाता है कि सबसे पहले ये जो प्लेयर है, आई मीन जो हमारे पास प्लेयर है, जैसे इस केस में ब्लू वाला प्लेयर है, राइट, जब भी इसको छः अंक आएगा, आई डोंट नो, डाइस में अगर छः आता है तब वो यहाँ से निकल सकता है, और निकलने के बाद ही ये इस पे चलना स्टार्ट करेगा, करेक्ट। दोस्तों तो हमारे पास जो प्लेयर पीसेस है, और वो इसमें मूव नाउ का एक ऑप्शन था, लेकिन उससे पहले भी वो मूव नाउ से पहले चेक करेगा पब्लिक बोल, मतलब क्या वो बुलियन एक ट्रू या फॉल्स ऑप्शन रखता है, मूव नाउ हम उसको ट्रू करेंगे तो मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैन मूव, क्या वो मूव कर सकता है, और आप जानते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है फॉल्स रहता है, दैट मीन्स जब तक छः नहीं आ जाए लूडो की चाल में, तब तक इसका मूव नाउ जो है ये ट्रू नहीं हो सकता, सॉरी कैन मूव जो है वो ट्रू नहीं हो सकता, राइट। और वो ट्रू तभी होगा जब वो छः मतलब आएगा और उसको कोई टच करेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों को कि जो प्लेयर पीस है उसको जब हम क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे जो है ये चीज़ जो है ट्रू हो जाएगी, करेक्ट। दोस्तों अगर आपको अगर इसको ऑन क्लिक पे ट्रू करना है, सपोज करिए, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स कोलाइडर यूज़ करता हूँ, बॉक्स कोलाइडर 2D इसलिए यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि ताकि ये ऑन क्लिक इवेंट जो है वो ले, ऑन क्लिक इवेंट को रजिस्टर कर सके, राइट। तो अगर अभी आप यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर का साइज देखोगे, जो कि आप चाहोगे तो वायर फ्रेम में आके देख सकते हो, ये बॉक्स कोलाइडर का साइज है, और इसको जो है मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, राइट, साइज को 1 है तो मैं 0.5 करता हूँ, 0.5, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हो इसको थोड़ा ऊपर मूव करना है, तो क्यों ना मैं इसको 0.5 यूनिट जो है, 0.25 यूनिट जो है वो मूव करूँ, करेक्ट। 0.25 की जगह पे आई थिंक
2-2 ज़्यादा सही लग रहा है या 2-2, ओके। तो ये चीज़ जो है हमें ये सही लग रहा है, करेक्ट। और इस केस में मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा, इस कंपोनेंट को, जो कि आप जानते हो ये चारों में अप्लाई करना पड़ेगा, येलो में, रेड में और ग्रीन में, राइट। लेकिन ब्लू पीसेस जो हमने अभी बनाए हैं इसमें ये एक चेंज आया है, बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड हुआ, यहाँ पे प्लस का सिंबल देख सकते हो आप। और मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई ऑल करता हूँ, करेक्ट। दोस्तों आप चाहो तो इसको इस ट्रिगर ऑन कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये किसी से कोलाइड करने वाला है नहीं। और इस केस में अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे ये बाकी तीनों प्लेयर पीसेस पे, ब्लू प्लेयर पीसेस पे ये चीज़ आ चुका है। मैं इसी तरह से रेड पीस में आ रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं इंस्पेक्टर में, पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं अप्लाई ऑल करता हूँ, ठीक है। और उसी तरह से ग्रीन में आता हूँ, पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू करता हूँ, और इसको ओवरराइड करके अप्लाई ऑल करता हूँ। सिमिलरली येलो में आने के बाद मैं पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू एंड देन ओवरराइड्स देन अप्लाई ऑल। अभी अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि आपके जितने भी प्लेयर पीसेस हैं वो चारों के चारों प्रत्येक टाइप के पीसेस में बॉक्स कोलाइडर्स ऐड हो चुका है, राइट। और अगर अभी आप ध्यान दोगे, इनकेस अगर सपोज करो मैं यहाँ पे प्लेयर पीसेस में हूँ, अगर सपोज करिए कि मैं ब्लू प्लेयर पीस को लेता हूँ, राइट। अगर अभी आप एक फंक्शन कॉल करोगे ऑन माउस डाउन, करेक्ट, तो ये क्या करता है, नोटिस करता है माउस क्लिक को उसमें जिसमें कोई कोलाइडर अटैच हो। तो हम यहाँ पे डीबग करवा सकते हैं, डीबग डॉट लॉग गेम ऑब्जेक्ट, या फिर दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम। वैसे अगर हम दिस नहीं भी लगाते तो भी काम करता, खैर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जब क्लिक होगा तो यहाँ पे मीन्स सेलेक्टेबल होगा, राइट। आई मीन वो सेलेक्टेबल होगा, वो अपना नाम जो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ब्लू प्लेयर पीस 1, ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट टेकिंग क्लिक, ओके, ब्लू प्लेयर पीस तो ले रहा है, हेलो वाला नहीं ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ओह एक्चुअली ये कोड जो है वो सिर्फ ब्लू वाले प्लेयर पीस में लिखा गया, तो बाकी दूसरा लेगा नहीं, एनीवे नो इशू। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्लिक ले रहा है, अगर आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे और अगर हम देखेंगे कि वो सपोज करिए कि हमारे प्लेयर का जो है, जो भी प्ले कर रहा है गेम, अगर उसका 6 आया है डाइस में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैन मूव है उसको जो है हम ट्रू करवाएंगे। दोस्तों सॉरी बट मैं इस चीज़ को कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ कपल ऑफ टाइम्स, ताकि मैं फिर से आपको उस आई न्यूमरेटर में लेके जा सकूँ। और आप देखोगे ये जो है हमारा वो स्टार्ट कोरूटीन का है, राइट। तो अभी अगर ऑन माउस डाउन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ जो है सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। और वो जैसे ही सेलेक्ट होगा, आपने अभी देखा था, वो जैसे ही सेलेक्ट होगा, जस्ट लाइक अभी अगर मैं कर देता हूँ कि स्टार्ट कोरूटीन, राइट, ये मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि इफ़ कैन मूव, क्या ये चीज़ मूव हो सकती है, तभी वो जो है चले, अदरवाइज नहीं चले, करेक्ट। दोस्तों ये कुछ देर का मैं यहाँ पे वेट देता हूँ, एल रिटर्न न्यू डब्ल्यू एफ एस वेट फॉर सेकेंड 0.25 F, करेक्ट। ये लगभग 1/4 सेकेंड तक के लिए रुकेगा और चेक करेगा कि अगर वो मूव कर सकता है तब कोरूटीन स्टार्ट हो। अगर आप माउस डाउन करते हो तो क्यों ना अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मैं कैन मूव को ट्रू कर देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि जैसे अगर सपोज करिए कि मैं ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्लेयर पीस है, फर्स्ट प्लेयर पीस, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इसका जो कैन मूव है वो फॉल्स, राइट, ये ट्रू नहीं है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ और सपोज करो कि इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये जो कैन मूव है वो ट्रू हो जाएगा और इसका जो को रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि कैन मूव हम पहले ही कर चुके होते हैं ट्रू, तो ये चेक करेगा कि अगर वो मूव कर सकता है तो आगे वो मूव करे। तो आइए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसको किया, ये कैन मूव ट्रू हो गया और आप देख सकते हैं जो प्लेयर पीस है वो मूव करने लायक हो चुका है, करेक्ट दोस्तों। एनीवे अभी आप देखोगे
कि हमने इसको मूवमेंट तो करना स्टार्ट कर दिया है और इसी तरह से ये सारे चीज़ हर किसी में हो सकता है, नो डाउट। बट अभी हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि जब भी कोई प्लेयर चाल चलता है तो पहले उसके चाल को हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसका आया कितना डाइस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो, और उसके बाद अगर वो चाल रूल के हिसाब से फिट बैठती है, जो भी उसका नंबर आया डाइस में, जैसे कि 6 आया है तभी वो निकल सकता है। इस केस में जैसे अभी निकलने की बात अगर आप करो, राइट, सपोज करिए कि आप जैसे ही क्लिक करते हो उस पर वो निकल पड़ता है, तो हम यहाँ पे कैसे उसको ट्रू करेंगे? दोस्तों आप ध्यान से देखोगे कि चूंकि ब्लू प्लेयर पीस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ड्रैग किया हुआ था, राइट, अगर आप चाहो तो सैलेड में आ जाओ और इसको जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इधर रख दो, राइट। तो आप क्या देखोगे, अगर सपोज करिए कि हम इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये पहले वहाँ आएगा और ऐसे 1, 2, 3, 4 में जाएगा, करेक्ट। तो इस केस में मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू प्लेयर पीस को, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पे आया और डायरेक्ट ऐसे चल दिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप चाहो तो इसके मूवमेंट को एनिमेटेड बना सकते हो, बट ये चाल इतनी तेज होती है कि मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी होगी, हम लोग उसको बाद में देखेंगे। और इस तरह से आप प्लेयर को मूव करवा सकते हो। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास काम क्या है कि सबसे पहले जो हमारा डाइस था, रोलिंग डाइस था, अगर इसको हम रन करवाते हैं, अगर इसको प्ले करवाते हैं, जस्ट लाइक अभी आप देखोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्ले हो रहा है डाइस, अगर आप देखोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्ले हो रहा है, ठीक है ना, रोलिंग डाइस, ठीक है। और अगर मैं अभी इसको प्ले करूँगा तो ये वन टाइम प्ले होगा, और प्ले होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आना चाहिए कि ये प्ले हुआ, तो ये क्लिक करने के बाद जो है या फिर यहाँ पर जो भी एक नंबर आ सकता है वो आना चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास टेक्सचर्स में अगर आप आओगे और अगर आप यहाँ पे लूडो रोलिंग पीस, अगर आप इसको, नो दिस इज़ नॉट द थिंग, एंड लूडो स्प्राइट, नो दिस इज़ नॉट आल्सो, आई डोंट नो वो रोलिंग डाइस कहाँ पे है, तो आइए हम एक बार चेक करते हैं अगर हमें, हाँ यहाँ पे है, राइट। तो आप देख सकते हो ये जो पीसेस हैं 5, 6, 7 वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, 5, 4, 1, 6, 3 XYZ फलाना ढिकाना जो भी है, ठीक है। तो डाइस में मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ और नंबर फेसेस, ओके, ये जो हमारे पास फेसेस होंगे उसको मैं जो है यहाँ पे एक फोल्डर बना के उस पर डाल दूंगा। कैसे डालेंगे दोस्तों, 5, 4, 1, 6, 3, 2 ये फेसेस वाले हैं, राइट। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, आप भी ड्रैग कर सकते हो और उसको इस फोल्डर में यहाँ पे डाल सकते हो जैसा कि मैंने डाल दिया है। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रोलिंग डाइस है इस केस में यहाँ पे, करेक्ट, मैं क्या करूँगा, आई डोंट नो इफ़ आई हैव मेड दैट UI और नॉट, इट डोंट सीम्स टू बी। तो जो हमारे पास स्प्राइट है, अगर अभी आप यहाँ पे आओगे और सपोज करो, सबसे पहले तो ये स्प्राइट है नहीं, तो आइए हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो टेक्सचर टाइप जो वो डिफ़ॉल्ट है, दैट मीन्स नॉर्मल JPG PNG जो भी होगा। मैं मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करने के बाद, और यहाँ पे आने के बाद मैं स्प्राइट 2D UI को सेलेक्ट करता हूँ और मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे ये सारे के सारे स्प्राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास रोलिंग डाइस है वहाँ पे आने के बाद अगर आप 5 सपोज करो मैंने ड्रैग किया, तो आप देख सकते हो ये 5 हो चुका है, एनीवे हो तो चुका है, बट ये विजिबल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है क्या, नो इशू, सो जस्ट इग्नोर दैट वन। एंड फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ, और रीसेट करने के बाद मैं इसका नाम देता हूँ रोलिंग डाइस। दोस्तों वो डाइस का एनिमेशन है बस, ठीक है। तो रोलिंग डाइस जो है उसका मैं नाम देता हूँ एनिमेशन, आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो। और इसको जो है इसके प्रॉपर्टी को, आई मीन ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और रोलिंग डाइस पे ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ चुका है, और अब मैं रोलिंग डाइस एनिमेशन को अगर इस पर ड्रैग करूँगा तो ये पूरा 0-0, दैट मीन्स उसका परफेक्ट चाइल्ड जो है बन जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ एनिमेशन है, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे
एक स्प्राइट क्रिएट करता हूँ, 2D गेम ऑब्जेक्ट देन स्प्राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी स्प्राइट हम प्लेस करेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा, करेक्ट। इस केस में सपोज करिए डाइस 5 में फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। हम क्या करते हैं, इसके स्केल को चेंज करते हैं, दैट मीन्स रिड्यूस करते हैं। आइए हम 0.5 ट्राई करें, तो 0.53, ओके लेट्स ट्राई दिस वन, 0.53 एक्स में और वाई में अगर हम करते हैं तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। एनीवे क्यों ना हम थोड़ा और कम करें, 0.5 शायद सही लगे, सो लेट्स ट्राई 0.5, हाँ अब ये सही लग रहा है। दैट मीन्स अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कुछ दिखेगा उस टाइप का, राइट दोस्तों। जो ये हमारे पास न्यू स्प्राइट है इसका नाम मैं दे रहा हूँ, क्या नाम दूँ, नंबर्ड स्प्राइट होल्डर, ओके। तो जो भी नंबर का आएगा स्प्राइट वो उसको यहाँ पे होल्ड करेगा, और इस केस में मुझे जहाँ तक लग रहा है क्यों ना नंबर स्प्राइट होल्डर को मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ और थोड़ा सा साइड में ले लूँ, करेक्ट, नो इशू। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो नंबर स्प्राइट होल्डर, मैंने यहाँ पे एक स्प्राइट कंटेनर बनाया हुआ है, रोलिंग डाइस अगर आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, और जैसे ही ये रोल होगा ये ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाएगा और कौन सा नंबर आया उस नंबर का स्प्राइट जो है यहाँ पे दिखने लगेगा, करेक्ट दोस्तों। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रोलिंग डाइस है एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ मैं सबसे पहले, राइट। मेरा सबसे आसान उपाय, फेवरेट उपाय, क्यों ना उसके टेक्स्ट को कॉपी किया जाए, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट्स में आता हूँ और फिर से उसी तरह से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं रोलिंग डाइस, एंटर प्रेस करूँगा और रोलिंग डाइस जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है उस पर मैं उसको जो है प्लेस करूँगा, करेक्ट दोस्तों। दोस्तों हम बाद में एक गेम मैनेजर भी बनाएंगे जो क्या करेगा, कितने प्लेयर अभी प्ले कर रहे हैं, 2, 3, 4, जितने भी प्लेयर प्ले करेंगे जैसे कि 2, तो एक रोलिंग डाइस यहाँ पे और एक यहाँ पे जनरेट करेगा, या फिर यहाँ पे एज पर नीड, वो होगा गेम मैनेजर जो कि हम बाद में गेम पे क्रिएट करेंगे, राइट दोस्तों। रोलिंग डाइस मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, और रोलिंग डाइस की स्पेलिंग गलत है, ROLLING, रोलिंग डाइस। मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, इसको सेव करता हूँ और ये ऑटोमेटिक वहाँ से चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ रोलिंग डाइस की स्पेलिंग गलत है तो क्यों ना इसको भी मैं रीनेम कर दूँ, दैट मीन्स गेम ऑब्जेक्ट को भी। हमने स्क्रिप्ट को तो रीनेम कर दिया है, और ये जो हमारा रोलिंग डाइस है दैट मीन्स रियल वाला रोलिंग डाइस, और यहाँ से चला गया क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा भाई ये नाम का स्क्रिप्ट अब है ही नहीं, क्योंकि हमने उसके क्लास को बदल दिया है। और इस केस में यहाँ पे भी जो हमारा रोलिंग डाइस स्क्रिप्ट था उसको भी मैंने रीनेम कर दिया है, और मैं इसको जो है कॉपी करके यहाँ ड्रैग करके यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ ताकि वो सेव हो जाए, और इसको जो है मैं डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों ताकि ये हमारे पास ओपन हो जाए, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा सबसे पहले मैं इन सबको हटाता हूँ और यहाँ पे उसी तरह से सीरियलाइज फील्ड करता हूँ और स्प्राइट्स का एरे बनाता हूँ, करेक्ट स्प्राइट, ठीक है। और इस स्प्राइट में हो जाएगा नंबर स्प्राइट्स, ओके। तो आप देखोगे कि हमारा जो यहाँ पे रोलिंग डाइस स्क्रिप्ट है उस पर नंबर्ड स्प्राइट का एक ऑप्शन आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्ड स्प्राइट्स हैं आप जान रहे हो कि टोटल 6 ही होने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर्ड स्प्राइट्स हैं जो हमने यहाँ पे रखे थे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सीरियल वाइज 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, ठीक है। ये हमने किया, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ मैं सेव करने के लिए, और आप क्या करोगे, आप ये आपने कर दिया नंबर्ड स्प्राइट्स, उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक सीरियलाइज फील्ड करता हूँ और इसका नाम देता हूँ फिर से स्प्राइट, एक्चुअली आई डोंट नो, लेट मी चेक, ये आई थिंक इमेज कंपोनेंट होगा, स्प्राइट रेंडरर कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में मैं यहाँ पे स्प्राइट डालने वाला हूँ, करेक्ट। तो स्प्राइट रेंडरर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नंबर, क्या था, नंबर्ड होल्डर या नंबर्ड स्प्राइट होल्डर, ओके। तो नंबर्ड स्पी होल्डर, डोंट वरी, थोड़ा शॉर्टकट नेम मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और आप देखोगे कि जो हमारे पास यहाँ पे
जस्ट मिनट। तो ये जो हमारे पास नंबर्ड स्प्राइट होल्डर है, यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट हो चुका है नंबर्ड स्प्राइट होल्डर। मैं इसको यहाँ पे जो है ड्रैग करता हूँ, करेक्ट। और इस केस में आप देखोगे, अगर आप चाहो तो दिखा भी सकते हो यहाँ पे। चलो एक मैं और सीरियलाइज फील्ड क्रिएट करता हूँ। सीरियलाइज फील्ड का जस्ट मतलब आप प्राइवेट वेरिएबल्स को नंबर गॉट जो भी आपने नंबर पाया, करेक्ट। दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक डेमो करके दिखाता हूँ आपको। वाइट अपडेट इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन। आई थिंक आपको पता ही होगा कि ये माउस क्लिक जो है रजिस्टर करता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर गॉट इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेंज, दैट मीन्स एक रैंडम नंबर हम पिक करेंगे, क्या 0 से लेके 6 तक। दोस्तों आपको रैंडम नंबर का पता होना चाहिए अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल को देखा है तो। इस केस में 0 से 5 तक का कोई भी नंबर आएगा, 6 नहीं आएगा। और आपको ये भी पता है कि जो एरे होता है वो 0 इंडेक्स बेस्ड होता है। 0 में डाइस 1, 1 में 2, 2 में 3, 4 में 5, 5 में 6। दैट मीन्स ये 0 से 5 तक 6 नंबर कोई भी आएगा, 6 नहीं आएगा। खैर तो हमने क्या किया, नंबर जो गॉट है वो हमने डाल दिया, और जो हमारा नंबर स्प्राइट होल्डर है उसका जो स्प्राइट है वो मैं सेट कर देता हूँ, क्या नंबर स्प्राइट्स डॉट रैंडम, सॉरी नंबर गॉट। ओके अभी आप क्या देखोगे दोस्तों, सबसे पहले जब भी मैं माउस क्लिक करूँगा तो एक रैंडम नंबर क्रिएट होगा 0 से 5 के बीच में। और चूंकि हमारे पास 6 स्प्राइट्स हैं और ये 0 से 5 इंडेक्स्ड हैं, आप देख सकते हो एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उस नंबर को जो है ये उसको असाइन कर देगा, करेक्ट। तो दोस्तों आइए हम चेक करते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखोगे, जैसे मैं माउस क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देखोगे कि नंबर गॉट, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, मैंने क्लिक किया ये 3 नंबर आया, मतलब ये चौथे को सेलेक्ट करेगा। आई थिंक आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, डोंट वरी। सबसे पहले जो भी नंबर गॉट आया है, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। ओके आई थिंक आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे। नॉइस टू जिसको नंबर अच्छे से आता है, नंबर गॉट प्लस इक्वल टू 1, दैट मीन्स वो 0 इंडेक्स बेस्ड है, इसलिए आप कन्फ्यूज़ कर गए कि 3 आया तो यहाँ पे 4 क्यों दिखाया। इग्नोर करो आप उसको, एक बार दोबारा देखिए आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे प्ले बटन दबाता हूँ, और जैसे मैं माउस क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, ओके इस जगह पे आप ध्यान दोगे ज़रा, नंबर गॉट पे, और जैसे मैं यहाँ पे प्ले करूँगा और अगर कोई भी दबाऊँगा, इस केस में 3, 5, 1, 3, 4, 3, 6, 2, 3, 2, 1, तो आप देख सकते हो ये जो है आ रहा, राइट। तो ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जैसे ही माउस क्लिक करेंगे वो जो हमारा डाइस का एनिमेशन था, रोलिंग डाइस वाला, ये प्ले होगा घर ऐसे जो भी, सॉरी मतलब मैं अपने माउथ से तो आवाज़ नहीं दूंगा फिलहाल, पर जो भी हो रोलिंग डाइस का हमारे पास साउंड रहेगा और वो प्ले होगा, और उसके बाद ये चीज़ जो है यहाँ पे उसी तरह का नंबर जनरेट होगा, और उस नंबर का प्लेयर जब हम सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो कैन मूव, दैट मीन्स अगर वो मूवेबल होगा, दैट जिस तरह से यहाँ पे कैन मूव हम ट्रू कर रहे हैं, अगर वो मूवेबल होगा तो वो अपने जगह पे मूव कर जाएगा, करेक्ट दोस्तों। और आई थिंक आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, मैं प्रोजेक्ट सेव कर रहा हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं डाइस को रोल करूँगा और आगे का जो भी काम है मैं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सॉरी मैं थोड़ा लेट था इस बार, मैं बहुत ही जल्द रेगुलर आने वाला यूट्यूब पे आप लोगों के सपोर्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।